32वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह समारोह भारतीय खान ब्यूरो के तत्वावधान में संपन्न हुआ। यह समारोह सन 2021-22 में नागपुर रीजन के सभी मेजर मिनरल की 37 खदानों की भागीदारी में संपन्न हुआ है। सभी 37 खदानों में 4 टीमों द्वारा नवंबर 2021 में निरीक्षण करते हुए 9 कैटेगरी में मूल्यांकन किया, जिसके अंतर्गत 86 पुरस्कारों का वितरण मैकेनाइज अंडरग्राउंड एवं मैन्युअली कैटेगरी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PN शर्मा, विशेष अतिथि पंकज कुलश्रेष्ठ एवं अभय अग्रवाल रहे। पेट्रोल एवं RCOM नागपुर रीजन RR डोंगरे ने एक वर्ष से चले आ रहे समारोह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजेंद्र काबरा एवं उदय पवार इकाई प्रमुख अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इस प्रयास की सराहना करते हुए खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षित रखने का संकल्प को भरसक प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बोरा DCOM ने पुरस्कारों का वितरण संचालित किया। BCN न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। तो इस संबंध के अंदर न सिर्फ स्टैट्यूटरीली उसके अलावा भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भी और इन्फॉर्मेशन टू बी पास्ड ऑन टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स, इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए और सबसे बड़ी जो चीज़ है अंडरलाइंग इसकी कि ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों को इंटरनेट्स के ऊपर डिजिटाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए ना सिर्फ स्टैट्यूट में आया है बट एट द सेम टाइम अब डिजिटल इमेजेस का इवन उनके द्वारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के आकलन करने का और उन चीज़ों को समय रहते दूर करने का इन सब का प्रावधान कर दिया गया है। और जहाँ तक आगे की भविष्य की संभावनाएं हैं जो डिजिटाइजेशन के माध्यम से, उसके अंदर भारतीय खान ब्यूरो को दृष्टिगत रखते हुए खान मंत्रालय की जो संकल्पना है वो है वर्चुअल इंस्पेक्शंस की। आज की तारीख में जहाँ पे भी ऑफिसर्स या मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ संभावना रहती है कि चीज़ों की पारदर्शिता के अंदर थोड़ी सी कमी आए।